आज हम जानेंगे शिवजी के सबसे प्रिय साप्ताहिक व्रत 16 सोमवार के बारे में, जिसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत कब से शुरू करें, कैसे करें, क्या खाएं, उद्यापन कब और कैसे करें, और भी सभी जानकारियां जानेंगे और देखेंगे कि पूजा कैसे की जाती है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों, बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। ये एकदम फ्री है दोस्तों, इसलिए शुभ काम में देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मन वांछित वर देने के लिए 16 सोमवार का व्रत बहुत ही प्रसिद्ध है। कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए ये व्रत करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्रत सिर्फ मनचाहे पति के लिए ही हो। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम है। 16 सोमवार का व्रत कोई भी किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। ये व्रत महादेव और माता पार्वती को बहुत ही प्रिय है। इसे श्रद्धा पूर्वक करने वाले भक्त की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे महादेव पूरी ना करें, अर्थात अवश्य पूरी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पूजा की विधि भी साथ साथ करते जाएंगे और आपको विधि भी साथ साथ बताते जाएंगे कैसे व्रत करना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम साथ साथ बताते जाएंगे। आपको बता दें कि जो हम ये पूजा कर रहे हैं ये आपको विशेषतः शाम के समय करनी है। दोस्तों, चाहे धन की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, पुत्र चाहिए या नौकरी चाहिए, हर मनोकामना के लिए ये व्रत किया जा सकता है। कुछ महीने हैं जिनसे ये व्रत शुरू करना बहुत ही शुभ माना गया है। जैसे कि अभी सावन चल रहा है तो आप सावन से आरंभ कर सकते हैं। महादेव का सबसे प्रिय मास है श्रावण मास। इसके अलावा माघ, चैत्र, बैसाख, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने से भी आप ये व्रत आरंभ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पौष मास, मल मास और भाद्रपद मास में ये व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। आप इसके अलावा जिस भी महीने में आरंभ करेंगे तो उस महीने के शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णिमा आती है, उसी शुक्ल पक्ष में आपको ये व्रत आरंभ करने चाहिए। कोई भी साप्ताहिक व्रत है शुक्ल पक्ष में ही आरंभ करने चाहिए। दोस्तों, इस व्रत की स्थापना आप चाहे तो सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पूजा होगी वो शाम के समय ही की जाती है। यहाँ पर हमने एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की स्थापना की है। सबसे पहले सुपारी के गणपति बनाकर स्थापित किए हैं और उनका पूजन किया है। उसके बाद शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित की है। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप चौकी पर ही पूजा करें, आप चाहे तो अपने मंदिर में भी ये पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। आपके मंदिर में शिव पार्वती की प्रतिमा है तो वहीं पर बैठ करके आप ये पूजन बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन भी आप ये व्रत आरंभ करेंगे उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। आप चाहे तो गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। फिर हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। महादेव को सफेद रंग और हरा रंग बहुत प्रिय है, वरना पीले, गुलाबी, नारंगी, आसमानी भी पहन सकते हैं, लेकिन नीले, काले, भूरे ऐसे रंग के डार्क कलर के कपड़े ना पहने। फिर किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और पूजन करना चाहिए। फिर अपने घर में आकर भी शिव पार्वती का नॉर्मल पूजन करके व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प आपको सिर्फ पहले ही दिन लेना होता है। अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में गंगा जल, पुष्प, अक्षत और दक्षिणा लेकर बोलें कि हे महादेव, मैं आज से आपके 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। आपकी कृपा से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। आप जिस भी मनोकामना के लिए करना चाहते हैं वो बोलकर संकल्प लीजिए। वो जल भूमि पर छोड़ दीजिए और फिर दिन भर व्रत करें। दोस्तों, ये व्रत आप निर्जला कर सकते हैं, निराहार कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं या एक समय मीठा भोजन करके भी व्रत किया जाता है। देखिए, उपवास का अर्थ संयम होता है। आप जितना संयम दिखाएंगे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। और अगर फलाहार व्रत भी करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे दिन भर आप बार बार फल खाकर मूंछ उठा करते रहेंगे। आप थोड़ा खा सकते हैं, फलाहार व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, फलाहार में भी आपको सिर्फ फल, दूध, दही, मेवे खाकर व्रत कर सकते हैं। नमक, सेंधा नमक, कुट्टू इत्यादि नवरात्रि की तरह नहीं करना चाहिए। शिवजी के लगभग सभी व्रतों में मीठे ही व्रत किए जाते हैं। शाम को एक समय आप मीठे अन्न का भोजन कर सकते हैं। इसमें आप मालपुए, बेसन या सूजी का हलवा, मीठी पूरी, पूरे या शक्कर या गुड़ के मीठे पराठे बनाकर आप खा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शिव परिवार को हमने पहले दुर्वा की सहायता से या कुश की सहायता से थोड़ा सा जल अर्पित कर दिया, स्नान का भाव कराया है। फिर मौली का इसे वस्त्र का भाव कराया है। उसके बाद तिलक करें, महादेव को भस्म से, चंदन इत्यादि से तिलक करें। अगर आप ये व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो व्रत की सारी सामग्री पहले ही इकट्ठी करके रख लीजिएगा। आप चंदन ले लीजिए, शिव परिवार की प्रतिमा, व्रत की पुस्तक आती है मार्केट में वो ले लीजिएगा। फिर हमने शिव परिवार को पुष्प माला अर्पित की है। यदि आपको माला नहीं मिल पाती तो आप सिंपल सफ़ेद रंग के कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे, चंपक और केतकी का फूल महादेव को नहीं
चढ़ाया जाता। महादेव को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम या स्त्रियोचित वस्तुएं भी नहीं चढ़ाई जाती। ये इनसे आप माँ पार्वती का अवश्य पूजन करें। दोस्तों, गणपति की आपको अलग से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके शिव परिवार में ही गणेश जी की प्रतिमा है तो सर्वप्रथम उन्हीं का पूजन कीजिएगा, उन्हें सिंदूर रोली से तिलक करके। उसके बाद माँ पार्वती का तिलक करें, उन्हें सिंदूर रोली अर्पित करके हल्दी चढ़ाएं। भोले रात को भस्म चंदन से, सफ़ेद चंदन महादेव को बहुत प्रिय है तो उससे पूजन करें। गंध इत्र चढ़ा सकते हैं। महादेव को श्रृंगार बहुत ही प्रिय है तो आप इस प्रकार से गुलाल, अबीर, इत्र चढ़ा कर उनका श्रृंगार कर सकते हैं। फल में जो आपको मौसमी फल मिल जाए, केला इत्यादि, विशेषकर केला श्रेष्ठ होता है हर पूजा में, तो केले का आपको भोग लगाना चाहेंगे। इस प्रकार से आचमन कराइए। दोस्तों, अगर आपको बिल्व पत्र मिलता है तो आपको बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। महादेव को बेल का पत्ता बहुत ही प्यारा होता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। बिल्व पत्र चढ़ाने से महादेव अनेकों प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उस पर इस प्रकार से तीनों पत्ती पर चंदन लगाकर आपको वो बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। शमी पत्र चढ़ाने का भी बहुत महत्व होता है। एक शमी पत्र कई बिल्व पत्रों का मायने रखता है, तो यदि आपको शमी पत्र मिल जाता है तो वो चढ़ाइए, वरना मार्केट में सूखे हुए शमी पत्र भी मिल जाते हैं तो आप वो भी ला करके चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप चाहें तो तांबुल यानी कि पान, सुपारी इत्यादि रख करके चढ़ा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। जितनी भी शिवजी को अर्पित करने वाली वस्तुएं आपको मिल जाती हैं, भांग, धतूरा, धतूरे के पत्ते, आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते, जितनी मिल जाएं उतनी अपनी श्रद्धा भक्ति चढ़ाएं। और हर व्रत में सारी सामग्री मिल पाना संभव भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मन छोटा ना करें या मन में कोई वहम विचार ना लाएं। जितना मिल जाता है भोलेनाथ तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से भक्तिभाव से पूजन कीजिएगा। फिर भी जितना हो सके उतनी सामग्री एकत्रित करने का प्रयास करें। उसके बाद आपको पूजा में एक जल का लोटा भी अवश्य रखना चाहिए, हर पूजा में रखना चाहिए। जल रख के उसमें गंगा जल डाल करके आपको स्वास्तिक बना करके जल का लोटा स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे इतना ही आग्रह करना चाहेंगे, हम आप सभी के लिए ही ये इतने प्रयास करके वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे लिए एक फ्री का सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य अवश्य बनिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये एकदम निःशुल्क है। दोस्तों, साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपसे बस इतना सा अनुरोध है, आप ऐसा अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समर्थन करने के लिए। दोस्तों, अब देखिए, आप चाहें तो पार्थिव पूजन कर सकते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। हमने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने की विधि डिटेल में बताई है सभी मंत्रों के साथ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बड़ी से बड़ी विधियां बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कीजिए, ऐसे कीजिए, तो देखिए ऐसा नहीं है। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं हो पाता है तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, आपसे जितना हो आपके पास प्रतिमा है तो सिर्फ उसका पूजन कीजिए, तो भी आपका व्रत सफल माना जाएगा। देखिए, ये कोई आज के समय के व्रत नहीं है, बहुत ही पहले से चले आ रहे हैं। आजकल लोगों ने अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा विधि विधान जोड़ दिए हैं। आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अच्छी बात है। और यदि आपसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, महादेव आपसे कोई रुष्ट नहीं होंगे। आप कभी अपनी दादी, मम्मी इत्यादि से, माता जी से पूछिएगा कि वो किस प्रकार से व्रत करती, तो वो आपको बताएंगी कि अपने समय में बहुत ही सरल तरीके से व्रत करती थी, या आज के समय में ही इतनी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दी गई हैं। हालांकि पार्थिव पूजन करना बहुत ही शुभ होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। आपके घर में यदि पारस शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, किसी प्रकार का आपने शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो उसका पूजन भी करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। कहते हैं कि प्रतिमा से भी अधिक फल शिवलिंग पूजन का मिलता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए, आपके पास यदि शिवलिंग है तो उस पर जल चढ़ाइए, गंगा जल, शुद्ध गंगा जल चढ़ाइए, दुग्ध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, मधु यानी कि शहद चढ़ाइए, फिर शर्करा यानी कि आप शक्कर चढ़ा सकते हैं, घी चढ़ाइए, या फिर इन सबको एक साथ मिला करके भी पंचामृत बना करके अभिषेक करा सकते हैं। आपके पास यदि रुद्राक्ष है तो उसका भी आप विधिवत इस प्रकार से पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत सिर्फ तन का नहीं मन का भी होता है, इसलिए दिन भर पवित्र रहें, सात्विक आचरण करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, चुगली, निंदा, बुराई, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हिंसा, ये गलत काम ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप पति पत्नी भी हैं तो भी आपको दो दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एक तो रविवार को और एक सोमवार के दिन, क्योंकि अगले दिन व्रत रखना होता है तो पवित्र सोएंगे तो पवित्र ही उठेंगे। दिन भर मन ही मन अपने ईश्वर का नाम लेते रहिए, अपना आप जो भी काम करेंगे वो काम करते करते भी मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मत महादेव का बहुत ही प्रिय मंत्र है, आप इस मंत्र का ओम नमः शिवाय मन ही मन जाप करते रहिए। व्रत का अर्थ, भगवान सिर्फ भूखे रहने से खुश नहीं होते, हम भोजन इत्यादि का इसलिए त्याग करते हैं ताकि हम कम खाएंगे तो हमें बाकी भगवान के ध्यान में अधिक समय दे पाएंगे और हमारा शरीर भी शुद्ध और पवित्र रहता है। और शुद्ध मन से, तन से हम यदि ईश्वर का स्मरण करते हैं तो वो अधिक फलदायी होता है। तो इसलिए यदि आप व्रत करते हैं तो ईश्वर का आपको दिन भर स्मरण मनी मन करते रहना चाहिए। आपको जब भी याद आए तभी भगवान का नाम लेना आरंभ कर दीजिएगा।
देखिए, इस प्रकार से आप चाहें तो शिवलिंग को भस्म चढ़ा सकते हैं। हम कोई भी हवन करते हैं तो उसमें से थोड़ी सी भस्म बचा लेते हैं यदि आपके पास है, या फिर आप बना लीजिएगा कोई भी पवित्र लकड़ियों की भस्म हवन करके। इस महादेव को भस्म बहुत ही प्रिय है, भस्म चढ़ाई, वरना सफ़ेद चंदन घिसकर आपको चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, शिवलिंग पर भी रोली, कुमकुम, हल्दी इत्यादि ना चढ़ाएं। ये जो शिवलिंग की जलेरी होती है उसे माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, आप उसका पूजन करते हुए चढ़ा सकते हैं। महादेव को आप गंध अर्पित अवश्य कीजिएगा, इत्र ला करके रख लीजिएगा। दोस्तों, स्त्रियां आज के दिन सुबह को बिल्कुल स्वच्छ होकर बाल धो सकती हैं और व्रत करें। ये व्रत पीरियड्स में भी नहीं छोड़ा जाता है। आप शुद्ध होकर स्नान करके व्रत करें, लेकिन जो पूजा करना, व्रत का भोजन बनाना, कथा पढ़ना, ये सब आप किसी और से करवा लीजिए। किसी छोटे बच्चे या कन्या से आप कथा इत्यादि पूजन करवा सकते हैं, या फिर अपने घर के किसी अन्य सदस्य से भी करवा सकती हैं। दोस्तों, यदि कोई सूतक या पातक पड़ जाता है, यदि आपके किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है और आपके ऊपर पातक का प्रभाव पड़ता है जिसमें पूजा इत्यादि नहीं की जाती, तो उस समय आपको ये व्रत छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन किसी अन्य स्वार्थ के लिए आप ये व्रत ना छोड़ें। बहुत से लोग हमसे कमेंट में पूछते हैं कि हमें पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो देखिए, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है आपके लिए आपका स्वाद अधिक महत्वपूर्ण है या आपका व्रत अधिक महत्वपूर्ण है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जो भी साप्ताहिक व्रत करते हैं उसमें आप जिस स्थान पर व्रत आरम्भ करते हैं वहीं पर आपको पूर्ण करने चाहिए। जैसे कि यदि आपने अपने ससुराल में व्रत आरंभ किया है तो सारे व्रत आपको ससुराल में ही करने चाहिए। आप किसी भी दिन कहीं और ना जाएं, कोशिश करें व्रत वाले दिन अपने घर पर ही रहें, वहीं पर पूजन करें। और जो आपने नियम पहले व्रत वाले दिन बनाए हैं, यानी कि आप जो खाएंगे, जिस समय उठेंगे, जिस तरीके से भी आप पूजन इत्यादि करेंगे, जिस मंदिर में जाएंगे, जिस प्रतिमा का पूजन करेंगे, वही नियमों का पालन आपको सारे 16 सोमवार के व्रतों में करना चाहिए। हर सोमवार को एग्जैक्ट हो पाना संभव नहीं होता, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नियमों का बदलाव ना करें, इससे व्रत के फल में दोष आ सकता है। अपने घर पर करें, जो आप पूजन सामग्री से हर बार पूजन करते हैं, जिस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल वैसा ही करने का प्रयास करें। जब कभी बहुत ही इमरजेंसी हो, कहीं बहुत ही इमरजेंसी में ही जाना पड़े, तभी आप थोड़ा बहुत महादेव से क्षमा मांग करके थोड़ी ढील बरत सकते हैं अपने व्रत में। उसके बाद भी आपको नियमों का पालन करते हुए आगे व्रत कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से 16 सोमवार तक आपको अपने व्रतों का पालन करते हुए 17वें सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, दिन भर इस प्रकार से व्रत करते हुए आपको शाम के समय 16 सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने से ही कोई भी साप्ताहिक व्रत हो वो पूर्ण माना जाता है। महादेव के व्रत में उनके मंत्र जाप करने का भी बहुत ही विधान आता है। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं यदि जाप या ध्यान किया जाए। तो आप चाहे तो रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इन पंचाक्षरी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। महादेव इससे आपके व्रतों में और भी अधिक शक्ति प्रदान करेंगे। ये हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बता रहे हैं जिससे आप अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं अपने 16 सोमवार व्रत की। आप चाहे तो शिव जी के किसी स्तोत्र का, रुद्राष्टकम का, शिव तांडव स्तोत्र का इस प्रकार से पाठ कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप जो चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कथा आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। चाहे आप कुछ करें या ना करें, आपको समय मिले या ना मिले, कथा अवश्य पढ़नी है। और शाम की जो पूजा होगी वो ज़्यादा रात में या अंधेरे में ना करें। हो सके तो शाम के समय, जब शाम होती है ना, सूर्य ढल रहा होता है, सूर्य उपस्थित होता है, उस समय पूजन करना चाहिए। शिव जी की पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है प्रदोष काल। आप चाहे तो अपने इंटरनेट वगैरह पे प्रदोष काल का मुहूर्त देख लीजिए, उस मुहूर्त के अनुसार आप सोमवार के दिन पूजन कर सकते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ समय होता है शिव जी की पूजा का, वरना आप दिन छिपने से पहले पहले ये पूजन कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर के लिए, या कोई भी कुंवारी पुरुष भी यदि मन चाहे जीवन साथी के लिए व्रत कर रहे हैं, तो उन्हें आज के दिन शिव पार्वती के यदि गठबंधन करते हैं, मौली से 7 बार शिव पार्वती की प्रतिमा को आपस में लपेटने को गठबंधन बोलते हैं। ऐसा करने से भी आपको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, ये भी एक उपाय है। जो धन की इच्छा चाहते हैं वो आज के दिन अखंडित यानी बिना टूटे हुए सफ़ेद चावल महादेव के ऊपर 3 मुट्ठी अवश्य चढ़ाने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती, महादेव धन बरसाते हैं। दोस्तों, महादेव की पूजा में कलर किए हुए हल्दी इत्यादि से चावलों का प्रयोग ना करें। अखंडित यानी बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए, जिन्हें अक्षत बोलते हैं, और वो किसी प्रकार से रंगे हुए ना हो, सफेद होने चाहिए। आप चाहे तो आटा, सूजी, साठी, बाजरा, सत्तू, इनका चूरमा बना सकते हैं, इन्हें भून के इसमें मिष्ठान मिला करके। कथा में भी आप पढ़ेंगे तो चूरमे का ही भोग बताया गया है, लेकिन चूरमा बहुत ही शुष्क होता है, हर किसी के लिए खा पाना संभव नहीं हो पाता हर 16 व्रतों तक करना, क्योंकि जो नियम हम पहले दिन अपनाएंगे वही हमें 16 दिन तक कंटिन्यू करने हैं। तो इसलिए अपने हिसाब से कोई भी मीठा भोजन बना सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। आप यदि सूजी का हलवा बनाया है तो उसका बराबर बराबर 3 हिस्से कर लेंगे, जिसमें से एक हिस्सा आपको गाय को देना है। गाय यदि उस दिन नहीं मिलती तो अगले दिन भी दे सकते हैं, आप उसे निकाल के रख दीजिए गौ माता के नाम का। दूसरा हिस्सा आपको दूसरों में प्रसाद स्वरूप बांटना है, पहले किसी कन्या को दीजिए, उसके बाद बाकी सब में प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। और जो तीसरा हिस्सा है वो आपको स्वयं के लिए रखना है, स्वयं उसका खाना है, स्वयं उसे खा के व्रत पूरा करें।
दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपने फलाहार व्रत किया है तो हम आपको एक उदाहरण देंगे कि जैसे आपने केले खाने का व्रत किया है तो उसमें आप एक ही फल खाएं 16 सोमवार में, केले का किया है तो केले का ही भोग लगाएं और केला ही खाएं। तो उसमें अगर आप दो केले खाना चाहते हैं तो दो अपने खाने के लिए रखिए, दो बांटने के लिए रखिए प्रसाद स्वरूप, और दो गौ माता के लिए रख लीजिए। आपको जितना भोजन करना हो उस हिसाब से देख लीजिए, जितना अपने लिए रखेंगे उतना ही दो हिस्सों में बांट कर रख दीजिए भोजन, बराबर बराबर ही आपको तीन हिस्सों में करना है। यहाँ देखिए हमने मीठे पराठे और केले का आपको उदाहरण देकर भी दिखाया है, यहाँ पर मीठे पराठे और केले लिए हैं तो उनके तीन बराबर बराबर हिस्से कर लिए हैं, जिसमें एक हिस्सा बांटना है, एक हिस्सा गौ माता को देना है और एक हिस्से का स्वयं भोग करना है पूजा कंप्लीट करने के बाद। इस प्रकार से महादेव का पूजन, फिर कथा पढ़ें, मंत्र जाप कर सकते हैं, फिर आपको महादेव की आरती करनी चाहिए। आपको जो आरती आती है ओम जय शिव ओमकार इत्यादि, आप वो आरती कर सकते हैं, वरना महादेव के किसी भी मंत्र से उनके चरणों में चार बार, नाभि पर दो बार, मस्तक पर एक बार और संपूर्ण अंगों में सात बार आरती दिखाकर इस आरती संपन्न मानी जाती है। दोस्तों उसके बाद आपको थोड़े से पुष्प हाथ में लेके महादेव से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि व्रत में जो भी हमसे भूल चूक कमी हो उसके लिए महादेव हमें क्षमा करें। दोस्तों इस प्रकार से आपको 16 सोमवार तक व्रत करके 17वें सोमवार को किसी भी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन करवाना चाहिए। उद्यापन में आपको रुद्राभिषेक रखवाना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, आप चाहे तो थोड़ा सा हवन कर सकते हैं अपने घर पर, गाय के कंडे यानी कि गोबर के जो उपले होते हैं थोड़े से रख करके आप हवन करें, जो भी भोग बनाएंगे उसमें थोड़ा सा भोग लगाएं। आप यदि हर 16 सोमवार को नहीं कर सकते तो कम से कम पहले सोमवार को और जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन तो आपको हवन करवाना ही है। ब्राह्मण को बुलाकर उनसे कहिए कि मुझे 16 सोमवार का उद्यापन करना है, वो अपने आप ही आपसे संकल्प दिलवा करके उस हिसाब से पूजा करवाएंगे। रुद्राभिषेक रखवाइए, आप चाहें तो घर पर रखवा सकते हैं या मंदिर में भी करवा सकते हैं किसी उद्यापन, उसमें सगे अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उन सभी को निमंत्रित भी कर सकते हैं, एक उत्सव सा रचाएं। उसमें आपको 5 किलो बताया जाता है चूरमा बनाना चाहिए, उसमें कम से कम आपको चूरमा का भोग अवश्य बनाना चाहिए, वही समय प्रसाद स्वरूप बटेगा। 5 किलो आटे का चूरमा बना लीजिए, बाकी जितनी पूजन की सामग्री होती है वो सब एकत्रित कर लीजिए, आपको पंडित जी भी बता देंगे, जैसे रुद्राभिषेक के लिए दूध दही घी शहद शक्कर, शिव जी के पूजन का जो मुख्य मुख्य सामग्री होती है वो इकट्ठी कर लीजिए। और दोस्तों दान देने के लिए ब्राह्मण को आपको दान भी देना है। इस उद्यापन में आप 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहेंगे, और यदि इतना ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप एक ही ब्राह्मण को भोजन कराइए तो भी आपका उद्यापन संपन्न माना जाता है। सोमवार के व्रत में सफ़ेद वस्तुओं के दान का अधिक महत्व आता है, तो आप दान देने के लिए कोई सफ़ेद वस्त्र ले सकते हैं, चावल आटा मुख्य मुख्य जो राशन की खाद्य सामग्री होती है वो ले लीजिएगा। थोड़ी सी दक्षिणा ब्राह्मण जी को अवश्य बाद में अर्पण करनी चाहिए। पंडित जी से बोलिए कि वो हवन करवाएंगे, महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय से एक हवन करवाना चाहिए आपको 16 सोमवार के उद्यापन में। दोस्तों इस प्रकार से हवन पूजन रुद्राभिषेक इत्यादि करा के आपको ब्राह्मण जी को वो सभी वस्तु जो हमने बताई दान देनी चाहिए, उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे कहिए कि हमारे व्रत की सफलता की प्रार्थना करें, और फिर जो प्रसाद है वो सभी में बांटकर अपने 16 सोमवार का व्रत संपन्न कीजिए। दोस्तों इतनी सरल विधि है तो कर लीजिए। दोस्तों अभी श्रावण का मास चल रहा है तो ऐसे में आप व्रत आरंभ अवश्य कर सकते हैं। और यदि हमारी पूरी वीडियो में आपके मन में कोई प्रश्न या शंका रह गया हो, आपको वो समझ ना आया हो, तो आप हमसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हमें आप सभी की सहायता के लिए ही हैं, आप सभी के लिए इतने प्रयास करते हैं, थोड़ा कर्तव्य आपका भी बनता है। लाइक के बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य भी अवश्य बनिएगा। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम इसी प्रकार के वीडियोस अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारे परिवार के सदस्य अवश्य बनिएगा। और भी साप्ताहिक व्रतों की वीडियोस हमने बना रखे हैं, आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन वीडियोस को दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, अगर आप चाहें तो दूसरों की सहायता कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हर हर महादेव।